बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। संदल सिर्फ चेहरे के लिए नहीं बल्कि सेहत के लिए भी बेहद मुफीद है। वो कैसे, आइए जानते हैं हमारी आज की इस वीडियो में। संदल का नाम हम सब ने कभी ना कभी सुना ही होगा और इसे इस्तेमाल भी किया होगा, क्योंकि ये साबुन, क्रीम और दीगर ब्यूटी प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल की जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि संदल सेहत के लिए भी बेहद मुफीद होती है। संदल के खूबसूरती से जुड़े फवायद पर सभी बात करते हैं। आज हम बात करेंगे सेहत से जुड़े फवायद, ताकि आप भी इसका इस्तेमाल करें और इन फवायद से मुस्तफीद हो सके। तो आइए फिर शुरू करते हैं सेहत से जुड़े संदल के हैरतअंगेज फवायद। सबसे बेहतर संदल वो होता है जो नहायत खुशबूदार और कम रेशादार हो। संदल दिल से जुड़ी बीमारियों को दूर करने और इनसे महफूज रखने के लिए मुफीद है। संदल का इस्तेमाल दिमाग को तकवीत देता है। संदल दिल की धड़कन को नॉर्मल रखती है और घबराहट को दूर करती है। संदल का मिजाज सर्द खुश्क होता है, इसलिए ये मैदे की गर्मी दूर करने और मैदे की बीमारियों को दूर करने के लिए मुअस्सर समझा जाता है और शरबत में इसका इस्तेमाल किया जाता है। हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए संदल का इस्तेमाल। संदल सफेद 5 तोला, छोटी चंदन 2.5 तोला, लाइची खुर्द 2.5 तोला, इन सबको बारीक पीस कर सफूफ तैयार कर ले। फिर इसके बाद 1 चाय का चम्मच सुबह शाम 1 कप अरके गाउस बान के साथ इस्तेमाल करें। ये हाई ब्लड प्रेशर के लिए अक्सर दवा है। संदल शरबत बनाने का तरीका। शरबत संदल बनाने के लिए बुरादा संदल मलमल की पोटली में बंधा हुआ, अरके गुलाब 2 बोतल ले। अब रात को बुरादा संदल अरके गुलाब में भिगो दे, सुबह अच्छी तरह जोश दे और पोटली निकालकर 1.5 किलो चीनी मिला दे। जब चीनी घुल जाए और ये रूह अफजा जैसा गाढ़ा हो जाए तो शरबत को चूल्हे से हटा दे और ठंडा होने के बाद साफ और खुश्क बोतल में महफूज कर ले। अब जब सुबह संदल का शरबत पीना हो तो ठंडे पानी में इसके 1 से 2 चम्मच शामिल कर ले, मिक्स कर ले और बर्फ डालकर पी ले। आजकल सर्दी है, इसलिए बर्फ से परहेज करें और सादे पानी में शरबत संदल का इस्तेमाल करें और गर्मी में बर्फ का इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।